Must try this yummy, easy to make strawberry basil jelly custard at home. First of all, एक पैन में 200 grams मिल्क लेना है एंड लेट इट बॉइल। हाफ पैकेट जेली डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है अंटिल जेली पाउडर अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। नाउ स्टोव से उतार कर किसी भी प्लेट में डाल दें, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें एंड देन 30-40 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें। अगेन एक पैन में 200 ग्राम्स वाटर लेना है, लेट इट बॉयल, एड हाफ चिली पैकेट, मिक्स इट वेल अंटिल इट डिजॉल्व्स, पुट इट इन अ प्लेट एंड रेफ्रिजरेट। नाउ एक सेपरेट बाउल में हाफ कप दूध लेना है एंड 4 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक सेपरेट पैन में 1 लीटर दूध डालकर लेट इट बॉयल, बॉयल आ गया है 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करें एंड मिक्स इट वेल। नाउ कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करना है और कॉन्टीन्यूसली हिलाना है कि कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अगेन एक सेपरेट बाउल में 2 टेबलस्पून तुख्मे बालंगा और हाफ कप पानी ऐड करके मिक्स कर लें एंड 10-15 मिनट्स के लिए रख दें। जेली को रेफ्रिजरेटर से निकाल कर क्यूब्स या किसी भी शेप में कट कर लेना है। नाउ फॉर असेंबलिंग एड बेजल सीड्स, 1 कप डाइस स्ट्रॉबेरीज, यमी मिल्की एंड सिंपल स्ट्रॉबेरी जेली, प्रिपेयर्ड कस्टर्ड एंड मिक्स इट वेल। And your yummy, very easy to make strawberry basil jelly custard is ready. Serve and enjoy.